हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर हम जयपुर से जा रहे हैं साइंस पार्क घूमने। तो साइंस पार्क घूमने गए थे हम। मैंने इसका फर्स्ट व्लॉग भी बनाया हुआ है, जो आप लोगों ने देखा हुआ होगा, मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। फ्रेंड, अब मैं आज इसका सेकंड पार्ट बना रही हूँ, क्योंकि एक व्लॉग में पूरा नहीं डाल सकते हम। लोग ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो फ्रेंड, फाइनली हम पहुंच गए हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर है टिकट लेने का काउंटर है, जहाँ पर 3D फिल्म और मतलब जो जो अंदर है ये सब दिखाया हुआ है। बाहर बोर्ड लगे हुए हैं और यहाँ पर पर्सन 10 रुपये का टिकट है। टिकट बिल्कुल महंगा नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है। सब चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट है, मतलब यहाँ पे कुछ भी बहुत सस्ता है घूमने के लिए। 10 रुपये पर पर्सन है यार, आराम से कोई भी घूम सकता है। और ये देखिए, मेरी सिस्टर है, सबका टिकट ले रही है। बच्चे वेटिंग में हैं और अंदर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। हम सब अंदर आ गए हैं। अंदर का व्यू बहुत प्यारा है और आज मौसम भी हमारा साथ दे रहा है। मौसम इतना अच्छा है, हल्का हल्का सा बादल हो रहा है, बूंदाबांदी सी हो रही है। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हालांकि गर्मी का मौसम है, लेकिन ये देखिए, एक लंबा सा पाइप है, इसमें मेरा बेटा आवाज़ दे रहा है, तो वो मतलब आवाज़ थोड़ा ओवर होके आती है। फ्रेंड, मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब बाय करना। और बाय। फ्रेंड, मुझे बताना मेरा व्लॉग कैसा लगा। और फ्रेंड, ये देखिए, यहाँ पर कितने कितने प्यारे पेड़ हैं, फ्लावर हैं, बहुत तो सुंदर सुंदर हैं। तो ये देखिए, और हम जो घर में लगाते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं सदाबहार के फ्लावर, और यहाँ पर बड़े हैं काफ़ी। शायद इसलिए कि वो मिट्टी में लगे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी में जो पेड़ लगे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चों के झूले वूले भी हैं और डायनासोर वगैरह है। आपने मेरे फर्स्ट जो भाग है उसमें देखा होगा, और 3D मूवी वगैरह काफ़ी कुछ है यहाँ देखने के लिए। एक दिन में हम काफ़ी सारा देख भी नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड, बताना मुझे मेरा व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।